हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं लूमा सिंह। तो चलिए आज बनाएंगे हम एकदम यम्मी सा एक नया नाश्ता, जो कि बच्चों का एकदम फेवरेट। अगर आप एक बार बनाएंगे तो वो बार बार मांगेंगे। तो इसके लिए मैंने तैयारी क्या क्या की, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने हरा प्याज, नॉर्मल प्याज, शिमला मिर्ची, लहसुन और गाजर, इन सारी चीज़ों को कस लिया है और प्याज को महीन महीन काट लिया है। प्याज और लहसुन को मैंने बारीक में काटा था और बस ये सारी चीज़ें हम कट करके रखेंगे। और ये आधी चीज़ें अभी यूज़ करेंगे, आधी बाद में फ्राई करने में करेंगे। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, एक कढ़ाई ली। कढ़ाई में डाला मैंने ऑयल। जब ऑयल खूब अच्छे से गर्म हो गया, फिर मैंने इसमें डाला थोड़ा सा राई, थोड़ी सी पिंच भर हींग डाली मैंने इसमें, ज़रा सा जीरा। और जब ये तीनों अच्छे से हो गए, फिर मैंने इसमें डाला जो हमने बारीक काट के प्याज रख रखा था। प्याज हम इसमें पूरा ही डाल देंगे जो हमने गट्ठी काटी है, और आधा लहसुन डालेंगे। तो ये दोनों चीज़ें डाल दें। फिर मैंने इसके ऊपर से डाला नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार ही डालें, जैसे भी आप खाते हो। नमक जल्दी डालने से क्या होता है ना, प्याज अच्छे से भून जाता है जल्दी। और फिर मैंने जब ये हाफ फ्राई हो गया, फिर मैंने इसमें डाली हरा प्याज और शिमला मिर्ची जो मैंने कस के रखी थी। और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद ऊपर से डाल दी मैंने इसमें गाजर। और ये सारी चीज़ें डाल के, फिर थोड़ा सा धनिया डालकर मैंने इसको अच्छे से चलाया। फिर गैस सिम करके इसके अच्छे से खूब फ्राई करेंगे। और जब ये हाफ फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे, चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप रवा। तो ये मैं 3 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ। तो मैंने एक कटोरा भर के इसमें रवा डाली है, और इसमें डाला था मैंने थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर, और बस ऊपर से डाला फिर मैंने इसमें चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बस ये फ्लेवर के लिए होता है। और बस एक बात याद रखना है आपको कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, अगर ये गीला हो गया तो फिर इसकी बॉल्स नहीं बनेंगी। तो बस इसको सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, गैस सिम ही रखेंगे जिससे कि कुछ वो ना हो। और बस ये सब करने के बाद जब ये खूब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी सारी चीज़ें हमारी, फिर हम क्या करेंगे, इसमें और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, क्योंकि हरा धनिया हर चीज़ में बहुत अच्छे से फ्लेवर लेके आता है फ्रेंड्स। तो हरा धनिया अच्छा लगता है। फिर हम इसको एक बाउल में करके निकाल लेंगे जिससे कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब बस फिर मैंने इसको देखिए एक साइड में बाउल में निकाल लिया है। और निकालने के बाद फिर मैंने इसको एक थाली में फैला दिया था अच्छे से। और देखिए खूब अच्छे से हमारा बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको इकट्ठा करके इसमें हल्के सा ऑयल का हाथ लगाया मैंने, फिर इसके बॉल्स बनाए मैंने। तो देखिए बॉल्स आप अपने साइज़ के अनुसार बना सकते हैं, जैसे भी बनाना चाहें। तो मैंने देखिए इस साइज़ के बॉल्स बनाए हैं जो कि मीडियम के हैं। और बस इसी तरीके से फिर मैं क्या करूँगी, ये सारे बॉल्स जो हैं बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए मेरे सारे बॉल्स बन के तैयार हो चुके हैं, और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद मैंने इस कढ़ाई पे पानी रखा, उसके ऊपर एक स्टील की छलनी रखी है। और जब ये पानी खूब अच्छे से खौलने लगा, तो फिर मैंने इस कढ़ाई के ऊपर जो छलनी रखी है उसमें लगाई थोड़ी सी देसी घी की ग्रीसिंग की है। और ग्रीसिंग करने के बाद हम इसको अच्छे से साइड में रखेंगे। और फिर जो हमने बॉल्स तैयार किए थे, वो सारे बॉल्स उठा के हम इस छलनी में रख देंगे। और जब ये सारी बॉल्स रख जाएंगी, उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसको 5 मिनट तक इसको प्लेट से ढककर अच्छे से स्टीम दिलानी है। और गैस सिम ही रखनी है जिससे कि ये पानी ज़्यादा ऊपर ना आ जाए। और बस गैस सिम करके हम इसको स्टीम देंगे। और देखिए 5 मिनट में ये बन के एकदम से तैयार है, और खूब अच्छे से स्टीम हो गई है। तो देखिए मैंने निकाल के इनको प्लेट में रख दिया, और हल्की सी ठंडी हो जाएंगी तो इनका पानी उड़ जाएगा, जो पानी आया होगा वो सारा उड़ जाएगा। फिर मैंने एक कढ़ाई ली, और कढ़ाई में डाला मैंने देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड या फिर मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मैंने फिर इसमें डाला थोड़ा सा हरा प्याज। ये तीनों चीज़ें डाल दी, और जब हल्की सी फ्राई हो गई हल्का सा, तो फिर मैंने इसके ऊपर से डाल दी थोड़ी सी गाजर जो कसी थी हमने। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद ऊपर से डाला मैंने इसमें हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद फिर मैंने इसमें ऊपर से डाला ओरिगैनो। ओरिगैनो डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाला सॉस, टमाटो सॉस 3 से 4 चम्मच डाला मैंने। और फिर डाला इसमें मैंने ग्रीन चिली सॉस, और ये देखिए है सोया सॉस। सारे सॉसेस डाले, मेरे पास वाइट विनेगर नहीं था, इसमें वाइट विनेगर भी पड़ता है, आप वो भी डाले। और फिर इसमें डाला मैंने थोड़ा सा सेजवान सॉस। सेजवान सॉस बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से हो गई जब, फिर मैंने इसमें सारे बॉल्स उठा के डाल दिए। और हम इन बॉल्स को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए हमारे बॉल्स एकदम से बन के तैयार हैं, और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये बिल्कुल गोभी मंचूरियन की तरह ही लगता है। तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, एकदम नई रेसिपी है।
क्योंकि ये रवा से बनी है मंचूरियन, तो एकदम इनका फ्लेवर बहुत ही मस्त आता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर खा के देखें और मुझे कमेंट में बताएं कैसा लगा। थैंक यू।